तो गुरु लोग अपना नल जो है वो वैनम द लास्ट डांस के अंदर दिखने वाला है। और नल जो काफी खतरनाक कैरेक्टर है, इसकी ओरिजिन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे वो जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। और तो नल इतना ज्यादा खतरनाक बंदा है कि इसको रोकने के लिए पूरी एवेंजर्स टीम, एक्समैन यानी अर्थ के सारे सुपर हीरो की टीम लगती है और तब जाके नल को रोका जा सकता है। लेकिन सोनी के यूनिवर्स के अंदर तो कोई एक्समैन कोई एवेंजर्स टीम है ही नहीं, तो नल को कैसे रोकेंगे? अब वो तो उनकी मूवीज देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि नल से 1v1 बैटल कर चुके हैं कॉमिक्स के अंदर। अब हालांकि नल का कोई अकेला कैरेक्टर नहीं रोक सकता, लेकिन इन्होंने कम से कम बैटल तो करी थी और उन्हीं के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। और वैसे भी ये बैटल हमें कई मूवीज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि नल सोनी के यूनिवर्स के अंदर जा चुका है और जितने भी मैं कैरेक्टर्स बताऊंगा वो ज्यादातर एमसीयू के पास है, तो ऐसा तो हो पाना मूवीज के अंदर लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन कॉमिक्स के अंदर ऐसा हो चुका है और उन्हीं के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक पूरा देखना और वीडियो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले नंबर पे आता अपना खुद वैनम। अब ये बात होती है वैनम के इशू नंबर 4 की, जब नल जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा होता है अपने सारे सिम्बियोट्स के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल लेने के लिए ताकि वो उनकी हेल्प से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तब उसके सामने अकेला वैनम ही खड़ा होता है जो कि उससे फाइट कर सके। अब अकेला वैनम भी उससे कब तक फाइट कर पाता, उससे फाइट कर ही नहीं पाता है क्योंकि आखिरकार नल जो है वो सिम्बियोट्स का गॉड है और उसी से सारे सिम्बियोट्स कनेक्टेड है और वैनम भी उसी से कनेक्टेड है, तो वो अपने गॉड से कैसे जीत जाता? तो इसीलिए उससे फाइट तो होती है लेकिन वैनम उससे कभी जीत नहीं पाता। लेकिन फिर बाद में एनिग्मा फोर्स आती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स होती है, वो अपने एडी ब्रॉक से जाके मर्ज हो जाती है, जिसके बाद हमें वैनम का एक अल्टीमेट वर्जन देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके साथ मिलकर अपना एडी ब्रॉक और वैनम को जो अल्टीमेट वर्जन बन जाता है वो नल को डिफीट कर पाते हैं और नल को अर्थ से बाहर फेंक देते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है अपना थॉर। देखो थॉर जो है वो नल से फाइट कर चुका है जो कि किंग इन ब्लैक की सीरीज के अंदर हुआ था। अभी सीरीज के अंदर नल जो है अर्थ की तरफ आता है और सारे एवेंजर्स मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। एक अकेला एक लौता नल जो है वो अपने सिम्बियोट्स की ड्रैगन की हेल्प से पूरे एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है अपने गॉड ऑफ थंडर थॉर की, और थोर आते ही अपनी लाइटनिंग पावर और अपने म्योनियर की पावर से नल के ऊपर इतना खतरनाक वार करता है कि नल का जबड़ा ही टूट जाता है। और जो अपना थोर का ये वाला वर्जन था ये काफी ज्यादा पावरफुल था, ये अपनी पावर के पीक पर था, इसका म्योनियर भी उस समय में काफी ज्यादा पावरफुल था और इस थोर के वर्जन के पास ओडिन फोर्स तक थी, यानी कहे तो ये थोर का सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन था जिसने अपने एक ही हिट से नल का जबड़ा तोड़ दिया था। लेकिन नल उससे कुछ ही सेकंडों के अंदर हील हो जाता है और उन दोनों की हमें बैटल देखने को मिलती है, जहां पर शुरुआत में तो थोर उसके ऊपर भारी पड़ता है लेकिन बाद में नल उसको भी सही रास्ते पे ले आता है, यानी अपना थॉर भी अकेले से नहीं रोक पाता। और तीसरे नंबर पे आता है सिल्वर सर्फर। अब सिल्वर सर्फर जो है नल से काफी समय पहले ही फाइट कर चुका था, नल के अर्थ के ऊपर आने से ही पहले। अब होता कुछ ऐसा है, सिल्वर सर्फर ऐसे गैलेक्सीज में ट्रेवल कर रहा था और इसी तरह से वो नल के टेरिटरी में चला जाता है जो कि था डार्क। अब वहां जाने के बाद उसे पता लगता है कि यहां कुछ ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर उसका सामना होता है वहां पे नल से, और नल और सिल्वर सर्फर के बीच में काफी खतरनाक बैटल होती है क्योंकि अपना नल भी एक कॉस्मिक कैरेक्टर है और सिल्वर सर्फर भी एक कॉस्मिक कैरेक्टर है, इन दोनों के पास ही काफी ज्यादा पावर्स होती है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी बैटल होती है। लेकिन इससे कोई रिजल्ट आता नहीं है। लेकिन सिल्वर सर्फर भी उन कैरेक्टर में से एक है जो कि नल से फाइट कर चुके हैं, और बाद में किंग इन ब्लैक सीरीज के अंदर भी सिल्वर सर्फर की फाइट नल से होती है और वहां पे नल भारी पड़ता है सिल्वर सर्फर के ऊपर। और चौथे नंबर पे आता है अपना टोनी स्टार्क एके आयरन मैन। अब देखो आयरन मैन काफी ज्यादा जीनियस है और इसके पास कोई ना कोई प्लान हमेशा होता ही है, और इसकी फाइट भी किंग इन ब्लैक सीरीज के अंदर ही हुई थी जब अपना नल जो है अर्थ की तरफ आता है अर्थ को इन्वेड करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो तब अपना आयरन मैन जो है मतलब टोनी स्टार्क एक ऐसा आर्मर बना लेता है जो कि सिम्बियोट्स को इन्फ्यूज करके काफी खतरनाक हो जाता है, मतलब जितने भी नल के पास सिम्बियोट्स थे उन सबको धीरे धीरे करके अपना आयरन मैन अपने सूट के अंदर इन्फ्यूज कर रहा था, जिससे वो काफी खतरनाक सूट बना पा रहा था और उसी की हेल्प से वो थोड़ी बहुत देर के लिए नल का ध्यान भटका पा रहा था ताकि सारे सुपर हीरोज मिलके अपने डार्क गॉड को डिफीट कर सके। और पांचवें नंबर पर मैं रखना चाहूंगा पूरी एक्समैन की टीम को। देखो जब नल जो है वो अर्थ की तरफ आता है अपने पूरी सिम्बियोट्स की आर्मी लेकर, उसके अंदर उसके सिम्बियोट्स के ड्रैगन्स भी बने हुए थे, उन सबको लेकर जब वो अर्थ पे आता है अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए, तब वहाँ पे दुनिया के सारे सुपरहीरोज आ जाते हैं जिसमें से एक्समैन भी होते हैं। अब एक एक करके सबका नाम तो नहीं ले सकते, इसलिए मैंने पूरी एक्समैन टीम को ही पांचवें नंबर पर रख दिया है। अब देखो एक्समैन टीम मिलकर भी नल को नहीं रोक पाती क्योंकि नल जो है वो काफी खतरनाक है, वो डार्क का गॉड है, वो सिम्बियोट्स का गॉड है, उसे ऐसे ही डिफीट कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, और इसीलिए पूरी एक्समैन टीम मिलकर भी उसे नहीं
नहीं रोक पाती। तो गुरुलोक ये कुछ पांच ऐसे कैरेक्टर्स थे या फिर एक टीम भी है इसके अंदर जो कि नल को नहीं रोक पाते और उनकी 1v1 बैटल भी हो रखी है नल के साथ। अब ये पूरी टीम मिलकर कुछ नहीं कर सकती तो 1v1 में ये क्या ही जीतते नल से। और इसमें मैंने पांच के बारे में बताया और ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। बहुत ही जल्दी मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, तो अगर आपको वो भी देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।